नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुजाता की शादी को 14 साल हो चुके थे। उसका एक 11 साल का बेटा भी था। कुछ दिनों से सुजाता के सास की तबीयत खराब चल रही थी। एक रात वो सोई तो सुबह उठ नहीं पाई। पूरे घर की रौनक खो सी गई। सुजाता भी बहुत गुमसुम सी हो गई थी। सुजाता की सास के स्वर्गवास के बाद से ससुराल में केवल उसके ससुर जी ही रह गए थे। जब तक सुजाता की सास जीवित थी तब तक तो सुजाता को कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन सास की मृत्यु के पश्चात उसके ससुर जी को रोकने टोकने वाला कोई नहीं रह गया था। उसके ससुर जी का स्वभाव बहुत ही विचित्र प्रकार का था। पूरे घर पर उनका ही शासन चलता था। ऊपर से बहू को भी वो दिन भर काम दे देकर नचाते रहते थे। खुद तो वह सुबह से टीवी के आगे बैठ जाते थे और बहू को एक से बढ़कर एक आदेश देते रहते। कभी कहते कि मेरे कमरे की सफाई कर दो, मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, तो कभी कहते तुमने मेरी मनपसंद सब्जी नहीं बनाई है, जाओ दोबारा से खाना बनाओ। सुजाता भी जानती थी बुढ़ापे में बुजुर्ग ऐसी हरकतें करते हैं। ऊपर से ससुर जी अकेले हो गए हैं, इसलिए वह चुपचाप उनकी सेवा में लगी रहती थी। बेचारी सुजाता दिन भर अपने ससुर जी की सेवा में लगी रहती, लेकिन ससुर जी बहू को डांट सुनवाने का एक मौका भी हाथ से जाने नहीं देते थे। वो सुजाता के पति अमित को सुजाता के खिलाफ भड़काते रहते थे। जब सुजाता के पति का ऑफिस से आने का समय होता तब उसके ससुर जी जानबूझकर किसी न किसी काम में लग जाते थे ताकि उनका बेटा बहू को डांटे। पति पत्नी में कलह करवाने में उन्हें मजा आता था। शुरुआत में तो सुजाता का पति अमित पिता की बातों में आकर अपनी पत्नी को डांटने लगता था कि तुम इस उम्र में मेरे बीमार पापा से काम क्यों करवाती हो, अगर तुमसे नहीं होता है तो कह दो, मैं बाई लगवा दूंगा, फिर भले ही उसके लिए मुझे ओवर टाइम करना पड़े, लेकिन इस तरह तुम मेरे पापा को परेशान क्यों करती हो। सुजाता हैरान रह जाती और सोचती कि कैसे अपने ससुर जी की सच्चाई अपने पति के सामने लेकर आए, क्योंकि उसके ससुर जी सारा दिन खूब आराम से रहते थे, अपना मनपसंद काम करते थे, मूवी देखते रहते थे। फिर जैसे ही उनकी नजर घड़ी पर पड़ती थी कि बेटा आने वाला है, तो बहू के द्वारा किया हुआ काम भी वो फिर से करने लगते थे। एक दिन सुजाता ने उनकी यह हरकत रिकॉर्ड कर ली और चुपचाप अपने पति को दिखा दी। उस दिन के बाद से अमित अपनी पत्नी पर भरोसा करने लगा था। हालांकि उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करके वो उनसे कुछ कह नहीं पाया था। लेकिन अब वह पत्नी पर गुस्सा नहीं करता था और पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था। फिर भी सुजाता के ससुर जी अपनी आदत से बाज नहीं आते थे। सुजाता को भी अब इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अपने पति की नजरों में वो एकदम सही थी। एक बार सुजाता की सहेली चित्रा उसके शहर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तो सुजाता ने उसे अपने यहाँ रुकने के लिए ही कह दिया था। दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही शाम होने वाली थी सुजाता के ससुर जी ने देखा कि अमित के आने का समय हो रहा है, तो उन्होंने खुद ही झाड़ू उठा लिया और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की सफाई करने लगे। जैसे ही अमित आया तो वो उसे सुनाकर कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कमरे की सफाई भी कोई नहीं करता, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, भगवान जाने क्या गलती है मेरी, क्या इसी दिन के लिए मैंने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, अब तो वो भी बहू की बातों में ही आ गया है, उसे कुछ कहता भी नहीं है, मेरे ही कर्म फूटे हैं जो मुझे ऐसे बेटे और बहू मिली। अमित ने पिता की बातों को सुना तो झुंझलाते हुए सिर हिलाकर रह गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आज भी अपना वार खाली जाता देखकर सुजाता के ससुर जी गुस्से से भर उठे और चिढ़ गए कि उनके बेटे ने बहू को डांटा क्यों नहीं। इधर सुजाता मंद मंद मुस्कुराते हुए रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। पहले ही दिन सुजाता की सहेली चित्रा ने जब सुजाता के ससुर जी का ये व्यवहार देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और सुजाता से कहने लगी कि तुम्हारे ससुर जी घर की राजनीति के बहुत कुशल खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं। मुझे तो लगा था कि ससुराल में अब तुम्हारी सास नहीं है तो तू चैन से दिन गुजार रही होगी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी भी सास से कम नहीं है। सुजाता को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ससुर जी सास से कम नहीं है? सास का नाम बदनाम क्यों है?
क्यों अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान को परेशान करता है तो हम सास की मिसाल देने लगते हैं। क्या हर सास बुरी ही होती है कि सास के नाम को बुरा व्यवहार करने वाले लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है? तुम ऐसा भी तो कह सकती हो कि मेरे ससुर जी का व्यवहार अच्छा नहीं है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ससुर जी सास की तरह है? मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, हम दोनों बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते थे। वह मुझे ना तो किसी काम के लिए डांटती थी, ना हम दोनों पति पत्नी में उन्होंने कभी मतभेद करवाने की कोशिश की। जब तक वो जीवित थी तब तक पूरे घर को उन्होंने एक डोर में बांध कर रखा था। ससुर जी भी कुछ उधम मचाने की कोशिश करते थे तो सासू माँ सब संभाल लेती थी, लेकिन अब ससुर जी ने नाक में दम कर रखा है। फिर भी मेरे पति मुझे समझते हैं तो मुझे ससुर जी से कोई खास परेशानी नहीं है। चित्रा ने कहा, सॉरी यार, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी सास इतनी अच्छी थी। सुजाता ने कहा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अगर कभी पति भी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है तो यह कहा जाता है कि तुम पति हो तो सास बनने की कोशिश मत करो। अगर कभी जेठानी भी गलत व्यवहार करती है तो भी यही कहा जाता है कि तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। कोई भी किसी के साथ अन्याय करे तो उसे सास का नाम देना बहुत गलत बात है, क्योंकि हर सास बुरी नहीं होती है। फिर इस रिश्ते को इतना नकारात्मक क्यों समझा जाता है? पता नहीं लोगों की सोच कब बदलेगी। जिस तरह हर इंसान सही और गलत दोनों होता है, उसी तरह सास भी कोई अच्छी होती है तो कोई बुरी होती है। इसीलिए किसी भी गलत इंसान के नाम के साथ सास की तुलना करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चित्रा अपनी सहेली की बातों से सहमत होते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पता नहीं क्यों लोगों के मन में सास को लेकर इतनी गलत धारणा बैठ गई है कि लोग सास का नाम सुनते ही नकारात्मक सोच मन में लाने लगते हैं। लेकिन तुम्हारी सास जैसी थी वैसी सास हर किसी को मिले तो धीरे धीरे लोगों के मन से सास की बुरी छवि मिट भी सकती है, जैसे कि आज तुमने मुझे समझाया। सुजाता ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। अपनी सास को याद करके उसकी आंखों में नमी आ गई थी। चित्रा भी सोचने लगी थी कि सास हो तो ऐसी जिसके लिए उसकी बहू दूसरों के सामने गलत सुनना सहन ही नहीं कर पाए। दोस्तों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हर सास को बुरी नहीं समझना चाहिए। लोगों के मन में सास का नाम सुनते ही एक नकारात्मक किरदार की छवि बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सास भी अच्छी होती है। इसलिए हर सास का नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो बहू है कल को वो भी सास बनेगी। और जरूरी नहीं कि अगर उसे बुरी सास मिली है तो वो भी कल को बुरी सास ही बने। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।